इंटरफेसिंग स्विच एंड डिस्प्ले प्रॉब्लम नंबर टू। लास्ट टाइम ने हमने इसकी इनपुट पोर्ट प्रॉब्लम की थी, इसमें हम स्विच और डिस्प्ले करेंगे। देखिए सबसे पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इंटरफेस करना है, इनपुट पोर्ट है 74LS245 जो कि इसके स्टेटस जो होंगे स्विच होंगे SW1 से SW8। आउटपुट पोर्ट होगा हमारे पास 74LS373 जो कि 8086 के साथ कनेक्ट होगा। इसमें क्या होगा कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ कीज को डिस्प्ले करना है, यानी कि जो हमारे स्विच है 1 से 8 तक कौन सा स्विच ऑन हुआ है उसको डिस्प्ले करना है 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे, कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कौन सा स्विच हमारा ऑन हुआ है, और वो डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट के थ्रू होगा। आउटपुट पोर्ट कौन सा है हमारा, ये इसके थ्रू हमने 7 सेगमेंट में ये शो करना है कि कौन सा स्विच ऑन हुआ है और इसका प्रोग्राम हमने कैलकुलेट करना है। इनपुट पोर्ट का एड्रेस है 0008H और आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है 000AH। इसके बारे में देखिए अब हम क्या करेंगे। देखिए इसमें क्या है, हम इनपुट पोर्ट पे A0 से A15 टोटल 16 एड्रेस बसेस लगाने की जगह A0 से A3 एड्रेस बसेस लगाएंगे पोर्ट के साथ, क्योंकि उससे अगर हम कंप्लीट 16 एड्रेस बसेस लगाते हैं, लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ा जो उसका जो हार्डवेयर होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसमें हम सिर्फ A0 से A3 तक ही यूज कर रहे हैं। और इसमें ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, इसमें जो एड्रेस है इनपुट पोर्ट का वो है 0008H, जिसको हम ऐसे शो करेंगे क्रॉस 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 8H से। ये जो क्रॉस है, ये जो 3 क्रॉस दिए गए हैं, ये डोंट केयर को शो करते हैं। डोंट केयर मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 000 जो कि XXX हमने वो किया है, लगाया है वहां पे, तो यहाँ पे 236548 कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट निबल है एड्रेस का, जो कि है 8H, सिर्फ इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या होगा कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि काफी सारे एड्रेसेस हमें सेम ही पोर्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि हम इसमें सिर्फ 8H का यूज कर रहे हैं, लोअर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट निबल है। यहाँ पे कोई भी एड्रेस हो सकता है, 286354 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो भी हम स्विचेस के स्टेटस हैं उसको हम AL रजिस्टर से क्या करेंगे, रीड करेंगे, और उसको क्या करेंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो करेंगे। जो भी AL में स्टोर होगा उसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे स्टोर शो करेंगे कि कौन सा हमारे पास आया है। और इसमें जो बिट होगी स्विच के कोरस्पोंडिंग, उसे AL जो हमारा रजिस्टर होगा उसकी रोटेशन से चेक करेंगे। रोटेशन करेंगे AL को थ्रो कैरी और कैरी फ्लैग को चेक करेंगे। अगर कैरी फ्लैग 1 है एक रोटेशन पे, सिर्फ एक रोटेशन के बाद अगर कैरी फ्लैग 1 आ रहा है, मतलब स्विच 1 ऑन है। अगर 2 रोटेशन के बाद कैरी फ्लैग 1 आएगा तो मतलब स्विच 2 ऑन है। इसी तरह से 3 रोटेशन के बाद स्विच 3, इस तरह से वो स्टोर करेगा अपने स्टेटस को। और जो CL रजिस्टर होगा उसमें इंक्रीमेंट करेंगे हर एक रोटेशन के बाद, और जो कि ये शो करेगा कि कितने स्विच नंबर पास हो चुके हैं। इंक्रीमेंट इसी वजह से ही किया जाता है। और जो 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले होगा वो BCD27 सेगमेंट डिकोडर के थ्रू होगा। BCD27 सेगमेंट डिस्प्ले हमारे लगा, इसमें हार्डवेयर से आपको ये कंफर्म हो जाएगा। देखिए इसका हार्डवेयर, ये हमारे पास 8086 माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा हमारा इनपुट पोर्ट। ये है हमारा इनपुट पोर्ट, ये देखिए, ये इनपुट आउटपुट रीड के साथ, और D0 से D7 डाटाबेस के साथ कनेक्ट है। DIR डायरेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट है स्विचेस, SW1 से SW8 स्विचेस इसके साथ कनेक्टेड होंगे। अब स्विचेस के साथ हमारे पास पुल अप रेजिस्टर्स कनेक्टेड किए जाते हैं। पुल अप रेजिस्टर्स में लास्ट प्रेजेंटेशन में बताया था कि इनका यूज क्यों किया जाता है, इसलिए इसे फिर से रिपीट नहीं कर रहे। ये पुल अप रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं इसके साथ, और अगर इसका ओवरव्यू देखें तो पुल अप रेजिस्टर्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो स्विच है अगर इनपुट 0 होती है तो TTL की वजह से वो हमेशा
फ्री इनपुट वन को ही रीड करता है, जिस वजह से ताकि वो फ्री इनपुट वन को रीड ना कर सके, इस वजह से पुल अप रेजिस्टर्स लगा दिए जाते हैं। नेक्स्ट है चिप सिलेक्शन के लिए, IORD इनपुट आउटपुट रीड PA 0 से 1, 2, 3, यानी 16 एड्रेस बसेस की जगह पे हमने सिर्फ यही यूज किए हैं A0, A1, A2 और A3, ताकि हार्डवेयर कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और ये क्या करेंगे, चिप सिलेक्ट करेंगे। ये तो हो गया हमारा इनपुट पोर्ट, अब हमारा आउटपुट पोर्ट भी होगा। आउटपुट पोर्ट कौन सा है, 74L S373, ये 8086 के साथ कनेक्ट होगा, D0 से D7 डाटा बसेस। और आउटपुट पोर्ट आउटपुट अनेबल पिन के साथ कनेक्टेड होता है, और इनपुट पोर्ट चिप सिलेक्ट पिन के साथ कनेक्टेड होता है। आउटपुट पोर्ट जो कि OE के साथ कनेक्टेड होगा, A0, A1, A2 और A3 के साथ, ये 0 होंगी और ये दोनों 1 होंगी, इसमें ये सब सारी 0 होंगी, ये 1 होगी। D0 से D7 डाटा बसेस के साथ ये कनेक्ट होगा, और इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल के साथ 8086 के साथ ये कनेक्ट होगा। अब देखिए ये क्या हुआ, BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर क्या करेगा, 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले का शो करेगा। कैसे, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बीसीडी की फॉर्म में आएगा, Q0, Q1, Q2, Q3, Q3 पे ABCD। तो इसको क्या करेंगे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है कि कौन सा स्विच होना, स्विच नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन सा स्विच होना है, ये 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले होगा। अब इनपुट पोर्ट का एड्रेस क्या है, 0008, आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है 000AH। अब इसका जो वो है इंस्ट्रक्शंस हैं वो देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं। देखिए देखिए अब इसका प्रोग्राम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना, जो BL रजिस्टर है उसे क्लियर करना पड़ेगा। तो मूव इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे BL00, यानी क्लियर करेंगे BL को फॉर स्टेटस के लिए, उसको क्लियर करेंगे स्विच के स्टेटस के लिए। जो CL रजिस्टर है उसे भी क्लियर करेंगे, CL क्या करेगा, स्विच नंबर को शो करेगा, इसी वजह से क्योंकि हमने इसमें स्टोरेज करनी है, स्टोरेज करने के लिए क्लियर करना पड़ता है। नेक्स्ट है XOR, AX, इसको XOR करें। ये क्या करेगा, एक्यूमुलेटर और फ्लैग्स को क्लियर करेगा। XOR करने से AX इसके साथ AX, अगर दोनों इन दोनों को आपस में, ये रजिस्टर है इसको आपस में ही XOR करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट है इन इंस्ट्रक्शन, इन इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, देखिए इनपुट पोर्ट का जो एड्रेस है वो है 08, ये लेंगे 08, इसको AL में मूव करो, यानी ये क्या करेगा कि रीड करेगा स्विच के स्टेटस को, इनपुट पोर्ट से स्विच के स्टेटस को रीड करेगा, और इंक्रीमेंट करे CL जो रजिस्टर है, ये जो CL रजिस्टर जो क्लियर किया था उसमें इंक्रीमेंट होगी, जब फर्स्ट स्विच रीड होगा तो उसमें 1 इंक्रीमेंट होगी। नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगी तो क्या होगा, स्विच जो स्टेटस है वो रोटेट करेगा, रोटेट RCR रोटेट करेगा AL, यानी AL जो हमारा रजिस्टर है वो रोटेट करे। और ये है रोटेट राइट विद कैरी, राइट में रोटेट करेगा कैरी के साथ रोल, अगर कैरी है उस टाइम पे, अगर कैरी है तो ठीक है वो जंप करे, और अगर कैरी नहीं है, देखिए JC कंडीशनल है ये, जंप इफ कैरी, अगर कैरी है तो जंप करे और हेल्ट हो जाए, अगर कैरी है तो जंप करके हेल्ट हो, और अगर कैरी नहीं है उस टाइम पे क्या होगा, इंक्रीमेंट फिर से CL में इंक्रीमेंट करे, अगर कैरी फ्लैग फिर भी 0 है तो इंक्रीमेंट करे CL में नेक्स्ट स्विच के लिए, ये देखने के लिए कि नेक्स्ट स्विच ऑन है या नहीं है, ठीक है ना। अब अगर कैरी आर, तब तक ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि कैरी 1 नहीं हो जाता, अगर जब भी कैरी 1 आएगा तो जंप करे वाई, कोई भी जो हमारा स्टेटस होगा एड्रेस होगा उस पर जंप करे, और जंप करने के बाद जो हमारे पास जो भी हमारे पास आएगा, जो भी स्विच नंबर की हमारे पास ये पर्टिकुलर स्विच नंबर ऑन कंडीशन में है, तो वो क्या जाएगा, CL का इंक्रीमेंट रुक जाएगी उस टाइम पे CL में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, और अगर जब इंक्रीमेंट नहीं होगी क्योंकि कैरी 1 होगा तो CL में इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट नहीं हुई तो वो क्या करेगा, CL में जो भी हमारे पास स्टोरेज आई है वो AL में मूव कर जाए, स्विच नंबर A, यानी कि ये स्विच नंबर होगा इसके अंदर, और वो AL में चला जाएगा, स्विच नंबर को AL में स्टोर कर दे, मूव करवा दे।
अब हमारे पास स्विच नंबर आ गया कि हमारे पास पर्टिकुलर स्विच नंबर ऑन कंडीशन में है, अब उसे आउटपुट पे भी शो करना है, तो आउटपुट पे शो करने के लिए आउट एड्रेस कौन सा है, 0AH, यानी कि AL में जो भी हमारे पास स्विच नंबर है वो 0AH आउटपुट एड्रेस पे स्टोर हो जाए, आउट इंस्ट्रक्शन के साथ आउट करे BCD स्विच, BCD से डिस्प्ले के लिए 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे शो करेगा, BCD 2 7 सेगमेंट डिकोडर करने के बाद, और जब वो कंप्लीट हो जाएगी 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले हो जाएगा तो जो सारा फंक्शन है उसे हेल्ट इंस्ट्रक्शन यानी स्टॉप कर दे हमारा इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमारा फंक्शन परफॉर्म हो चुका है, यानी हमारे पास एक पर्टिकुलर स्विच आ गया है कि ये वाला स्विच हमारा ऑन कंडीशन में है। ये हमारे इंटरफेसिक स्विच एंड डिस्प्ले प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।